हमको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम और मधुबनी जिला में पढ़ते हैं, मधुबनी जिला में लोगों को कितनी कठिनाई होती है जब आप रोजमर्रा की जिंदगी के लिए सामान के लिए आप शहर जब जाते हैं, मार्केट जब जाते हैं, तो आपको इसी गांव का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि कोसी नदी पर जो पुल बननी चाहिए थी जहाँ पर वो बनी नहीं, पुल जहाँ पर बनी है वहाँ के ठीक है, लेकिन असल में जहाँ पर कोसी नदी अभी भी बह रही है वहाँ पर पुल नहीं है। और इसलिए हटवार का जो ये हिस्सा है, इस हिस्से के ग्रामीण जो हैं वो मार्केट करने के लिए या रोजमर्रा की जो वस्तु होती है, घर के जो चीज़ होते हैं, उसको लेने के लिए यहाँ से मधेपुर जाते हैं और इसी नाव के सहारे जाते हैं। क्योंकि लोकसभा का भी चुनाव देश भर में चल रहा है और बड़े उत्साह से लोग इसको लेते हैं, चुनाव भी करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन हम आपको बताएंगे कि आज आज़ादी के लगभग 70-75 साल के बाद भी लोगों के पास जीवन जीने के लिए कई सारे साल में आपको विकल्प मिल जाते हैं, ऐसी गाड़ी ऐसी घर। लेकिन वही चीज जब ग्रामीण क्षेत्र में खासकर के जब दियारा क्षेत्र में आप फील करते हैं, वहाँ की जिंदगी कितनी कठिनाई भरी होती है वो हम दिखाने का प्रयास करते हैं। जब आप रोजमर्रा के जीवन के लिए चाहे आप स्वास्थ्य सेवा लेना चाह रहे हो तो भी आपको इसी गाँव के सहारे जाना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं उधर आप जब जाइएगा तो केवल आलू के खेत में और आलू के खेत में मई अप्रैल मई का महीना चल रहा है, तो जो चपेरा चलता है कछुआ हवा का, उसमें जो आलू की उड़ती है वो अलग से लोगों के स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है, वो अलग से है। कुछ जहाँ के लोकल हैं उनसे हम जाने का प्रयास करेंगे कि कैसे अभी लोकसभा का चुनाव है, आप लोग मतदान करेंगे तो क्या मुद्दा रहेगा, किस आधार पर आप लोग वोट करेंगे, किस आधार पर करेंगे। जब तक नाव देना है नाव से जाना पड़ता है, नाव से आना पड़ता है, अगर नाव छूट गया तो हम लोग वोट भी नहीं गिरा पाते हैं। नाव अगर छूट गया तो टेम से नाव नहीं अगर पहुँचा तो हम लोग वोट भी नहीं गिरा पाते। क्या चलेगा सवाल बड़ा है कि मतदान के दिन 7 मई को अगर मतदान कर्मी यहाँ पर आते हैं तो कैसे आएंगे, इसी नाव के सहारे आएंगे? अगर कोई सरकारी कर्मी आते हैं मतदान करवाने के लिए, सुरक्षित स्वच्छ मतदान करवाने के लिए, वो कैसे आएंगे? इसी नाव के सहारे आएंगे। और ये नाव निजी है, आपको बता दें नाव के सहारे में जो है वो निजी है, ये कोई सरकारी नाव नहीं है, कोई सरकारी सेवा नहीं है। लोग 10 रुपया 50 रुपया 30 रुपया दे करके नाव पर चढ़ते हैं और वो छत पर चढ़ते हैं। तो आप कुछ बता दें। हाँ, अगर जब वोट करने जो आते हैं हम लोग को बहुत परेशानी बढ़ जाता है, पैसे हम लोग वोट कराने के लिए जाएँ, यहाँ जो अगर पैसा किसी के पास में नहीं है तो बहुत सा जनता नहीं भी जाते हैं। नेता लोग आते हैं कि नेता जब आते हैं बहुत कम आते हैं, अभी तक आए अभी तक कहीं पता नहीं है, कहीं हम लोग रुके नहीं रहे नेता खेती बाड़ी हमसे छोड़ करके हम लोग कहाँ भाग चले जाएगा, कैसे कैसे हम लोग कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आज़ादी 1947 में मिली, लेकिन वो जो जेएनयू से एक नारा चला था कि गरीबी से आज़ादी, ये आज़ादी वो आज़ादी, वो यहाँ के आपको दिखाई देगा। जो शहर में लोग रहते हैं वो शहरी आबोवेश में नहीं समझ पाते हैं कि ग्रामीण जो लोग हैं वो कैसे जीते हैं। और आपको बता दें कि भारत में 60% से ज़्यादा लोग गाँव में बसते हैं और यहाँ पर खेती भी होती है और किसान गाँव में ही रहते हैं। तो आज भी किसान खास करके नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो दावा करती है कि आय दुगुनी हमने किया, लेकिन जीवन आय दुगुनी हुई नहीं हुई ये अलग विवाद का विषय है, लेकिन जीवन जो है वैसे ही है। सरकार बदली है जरूर
और फिर आगे भी बदलेगी, लेकिन जीवन बदलेगी या नहीं ये देखने वाली बात होगी। और जिस दिन बदलेगी तो हम इसी दियारा क्षेत्र में पहुंच करके वो भी हिस्सा दिखाएंगे। सरकारें दावा करती है, सार चमकता भी है, कोई शक नहीं है। खास करके आप मधुबनी टाउन ही देख लीजिए, बहुत विकास हुआ है, लेकिन ये मधुबनी का ही एक गांव है और सबसे पहला जरूरत विकास में होता है कि आपको घर तक जाने के लिए सड़क चाहिए, वो नदा रहती है। क्या कहना ये चाहते हैं, देखिए पुला का निर्माण हुआ, पुला बढ़ रहा था और पुला अधूरा रह गया, जो हम लोगों को इतनी कठिनाई है जाने आने में कि उसका कोई सीमा सरहद नहीं है। सरकार कह रही है कि हम ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, कोई सरकार यहाँ नहीं आता, ना कोई एम पी आता है, ना कोई MLA आता है, कोई भी नहीं आता। हम लोगों के पास इतनी कठिनाई है, इतनी कठिनाई है कि हम लोग अब आपको क्या बताएं, सीमा पार है। हम लोग कैसे जीते हैं ये सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार को जब जो है चुनाव का माहौल होगा तो सब लोग भाई वोट देना, वोट देना, वोट देना, बस यही सरकार का लीला है। अच्छा, जब बारिश का मौसम आता है खास करके जुलाई अगस्त, जी उस समय की क्या स्थिति है? उस समय तो इतना स्थिति है सर, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो कहीं जा नहीं पाएगा, वो घर पे ही दम तोड़ देता है। बहुत ऐसा अक्सर हुआ है, अगर गांव में डॉक्टर है, झोला छाप है, उससे तो तत्काल दवा लिया जाता है, अगर चलिए आराम हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ना, बात चलो मरेगा। गृहस्थ परिवार है, किसी के पास 1 बीघा है, 2 बीघा है, अपना गुजारा करता है कैसो। सरकार को कोई ध्यान नहीं है कि सरकार कुछ करे कुछ नहीं। तो ये था दियारा क्षेत्र का एक रिपोर्ट और हम दिखाने का प्रयास किए कि आगे स्थिति अभी क्या है। इलेक्शन है, चुनाव है, चुनाव को लेकर के ढेर सारे नेता भी आएंगे और वादा भी करेंगे, लेकिन वादा का स्थिति क्या है? लगभग 15-20 सांसद बन चुके हैं, लेकिन यहाँ की जो स्थिति है वो आप देखें। खास करके हम उन्हें शुक्रिया जो रोज चुनाव के जरिए लोगों को इस पार से उस पार और उस पार से इस पार करवाते हैं, ये काबिल तारीफ है। ये सरकारी स्टाफ नहीं है, निजी कार्य करने हैं और निजी कार्य में सुबह से लेके शाम तक खाना भी यहाँ, रहना भी यहाँ, सोना भी यहाँ, दिन भर आप यात्रियों को उधर से इधर और इधर से उधर करते हैं। कैसे क्या करना चाहिए? बोल क्या क्या कैसे इतना मेहनत करके इधर से उधर करके बालू में खाना खा रहे हैं, खाना भी ढंग से नहीं खा पाते हैं। अब यहाँ के ग्रामीण के जान की रक्षा करते हैं, खास करके जब आपदा आसमानी आता होगा, स्वास्थ्य की जो शिकायतें आती होगी तो आप ले जाते हैं। जितना भी रात को कोई परेशानी आ गया तो वो कर देते हैं। अकेले कहाँ कहाँ जाएंगे? रात को भी नाव चलाते हैं, रात को भी इमरजेंसी ऐसा, अकेला भी तो है ना, अकेला भी कहाँ जाएंगे। तो फिलहाल ये था दियारा क्षेत्र का एक रिपोर्ट, दिखाने का प्रयास किया, यहाँ की स्थिति को दिखाया, ग्रामीण क्षेत्रों को दिखाया, सड़क को दिखाया और खास करके उस पुल से और यहाँ तक जहाँ तक नाव के सहारे आप उस पर जा सकते हैं, उस क्षेत्र में प्रयास किया, पैसा लगा। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि क्या आप सोच रखें।